ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसे समझिए। भगवान श्री रामचंद्र को वनवास हुआ और 14 वर्षों के लिए वन में गए हैं। वन में गए, वन में जाते हुए ये अयोध्या से निकले और सभी रास्तों को क्रॉस करते हुए धीरे 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 भगवान बहुत सुंदर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में, ठीक है, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो बहुत सुंदर वाल्मीकि जी ने भगवान की स्तुति की, बहुत सुंदर स्तुति, ठीक है। कहते हैं श्रुति से तू पालक राम तुम जगदी, श्रुति से तू राम तुम जगदीश माया, जो श्री जति जगु पालती हरती रुक पाई कृपा निधान की। ये प्रभु बहुत सुंदर स्तुति करते हैं कि प्रभु आप साक्षात भगवान हो, श्रुति सेतु पालक हो। आप श्रुति सेतु का अर्थ है आप धर्म के पालन करने वाले हो और धर्म पालन करने के लिए आप इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। प्रभु आप जगदीश हो, इस जगत के ईश्वर, और ये माया जो है आपकी शक्ति। सुंदर स्तुति। और स्तुति करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में एक दिन रुके, ठीक है, एक दिन रुके हैं वहां पर। बहुत सुंदर रुके और एक दिन रुकने के बाद दूसरे दिन जब सवेरा हुआ तो भगवान श्री रामचंद्र वाल्मीकि ऋषि को प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु, हे महाराज, हे वाल्मीकि जी, आप जानते हैं कि हम लोग 14 साल के लिए वनवास के लिए निकले। क्या कह रहे हैं कि हे वाल्मीकि जी, आप जानते हैं कि हम लोग 14 साल के लिए वनवास के लिए निकले हैं। कितने सालों के लिए? 14 ईयर, ठीक है, 14 साल के लिए हम लोग वनवास के लिए निकले हैं। कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र कह रहे हैं कि हम लोग 14 साल के लिए वनवास के लिए निकले हैं और आज हम राम, लखन और जगत जननी माता सीता तीनों जो है वाल्मीकि ऋषि आश्रम को छोड़ रहे हैं। छोड़ते हुए कहते हैं कि हम 14 साल के लिए वनवास के लिए निकले हैं और अब हमें वनवास में प्रवेश करना है, वन में प्रवेश करना है। हे वाल्मीकि जी, अब हमें एक ऐसे स्थान का निर्देशन करिए। आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मुझे कुछ ऐसे स्थान का निर्देशन करिए जहां पर मैं, पत्नी सीता और मेरा भाई लखन, भगवान सब कुछ जानते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि भगवान को नहीं पता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भगवान को नहीं पता है कि भगवान को कहाँ रहना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र सब कुछ जानते हैं कि उन्हें कहाँ रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए, सब कुछ। अंतर्यामी है भगवान, सर्वव्यापी है, तो उन्हें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा, बताइए आप। हाँ, तो भगवान सब जानते हैं कि उन्हें कहाँ रहना चाहिए, किसके साथ, मतलब किस स्थान पर रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए, एवरीथिंग सब वह जानते हैं। लेकिन भगवान सब कुछ जानते हुए कभी कभी अपने भक्तों से, अपने भक्तों के मुख से बोलाना चाहते हैं। वाल्मीकि ऋषि का मुख से भगवान आज हम सभी जगत वासियों के लिए उपदेश दिलाना चाहते हैं। भगवान कहाँ रहे, ये चीज आप देखिए भागवत में। महाराज युधिष्ठिर बहुत सुंदर युद्ध को जीत लिए, पूरे राज्य पर शासन करने लगे, पूरे विश्व पर शासन करने के लिए बहुत सुंदर राजा बन गए। और राजा बनने के बाद शोक हो गया। अब बताइए, क्या ऐसा कोई शोक है जिसे भगवान नहीं हर सकते? और भगवान ने महाराज युधिष्ठिर को संवाद किया, उपदेश दिया, लेकिन आप देखिए भगवान उनको उपदेश तो दे रहे थे बाहर से और अंदर से बोल रहे थे कि मेरी बात को सुनना मत, मेरी बात को समझना मत। क्यों, कोई बता सकता है? बताइए।
ऐसा कर रहे थे? बहुत ठंड है, क्यों ऐसा कर रहे थे भगवान, बताइए कोई व्यक्ति बता सकते हैं? देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर महाराज को जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो बहुत सुंदर उपदेश महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद उनको कहते हैं ना कि उनको शोक होता है। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को शोक हुआ और युद्ध खत्म होने के बाद देखिए युधिष्ठिर को शोक हुआ। सभी लोग आए समझाने के लिए, सभी लोग, वो बड़े बड़े ऋषि आए, नारद जी आए, सब लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, व्यास देव जी आए, देवल आए, लेकिन उनको समझा नहीं पाए। इवन भगवान भी उनको समझाने का बहुत प्रयास किए लेकिन भगवान भी उनको समझा नहीं पाए। अब भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर जी अब गृहस्थ जीवन में फंसे ना रहे। नहीं, भगवान ने देखा कि अब जो है हस्तिनापुर का सूर्य पितामह भीष्म अब अस्त होने वाले, जिन्होंने अखंड पूरे जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे महान पितामह भीष्म अब अपने शरीर को छोड़ने वाले हैं। अतः भगवान चाहते थे कि यदि ऐसा व्यक्ति जिसने आजीवन पंडित ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, यदि ये व्यक्ति उपदेश देगा तो पूरा जगत उसको स्वीकार करेगा। अतः भगवान चाहते थे कि अब पितामह भीष्म कुछ उपदेश करे। क्या चाहते थे? कि पितामह भीष्म अब तो कुछ उपदेश करें। अतः वे इस प्रकार का निर्णय लिए और निर्णय के बाद क्या किए, इनको समझा तो रहे थे, इंटरनल देखा जाए तो युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयास कर रहे थे, कह रहे थे कि समझ जाओ भाई, समझ जाओ, समझ जाओ, लेकिन इंटरनल क्या बोलते थे, मेरी बात को नहीं सुनना, मेरी बात को मत सुनना, मैं जो बोल रहा हूं उसे समझने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान चाहते थे कि पितामह भीष्म जो है अब कुछ उपदेश करें। वैसे क्या भगवान को नहीं पता है कि भगवान को कहां रहना चाहिए, लेकिन अब भगवान चाह रहे हैं कि वाल्मीकि ऋषि कुछ उपदेश करें। वाल्मीकि ऋषि क्या करें, कुछ उपदेश करें। भगवान कहां रहते हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं कि वाल्मीकि ऋषि कुछ तत्वों की बात बताएंगे कि मुझे कहां रहना चाहिए, है ना। इसीलिए अब भगवान जो है तो क्या कर रहे हैं, इनको इनको कह रहे हैं कि आप कुछ बताइए कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। ये भगवान की कृपा है हम सभी भक्तों के ऊपर, समझिए इस बात, बहुत अच्छी बात है ये, भगवान की कृपा हम सभी भक्तों के ऊपर। भगवान जा रहे हैं कि अब जो है सो कुछ बात बताए वाल्मीकि जी वहां पर, वैसे चाहे कि अब कुछ पितामह भीष्म बात बतावे जिससे मैं, जिससे लोग इसको समझे, समझ सके, यहां चाह रहे हैं। अब देखिए जो चीज बहुत सुंदर हमारे शिक्षा गुरु लाल गुरु जी बताते हैं कि रामायण रामायण भागवत देखिए एक दूसरे से लिंक्ड है, है ना, लिंक्ड है। तो यहाँ पर वही बात आप यहाँ भी देखेंगे, वही बात वहां भी देखेंगे, बस थोड़ा सा थीम खाली बदल जाता है, बात बाकी वही रहता है। तो वहां पर देखिए पितामह भीष्म से भगवान बुलवाए और आज यहाँ पर बुलवा रहे हैं वाल्मीकि ऋषि, वहां पे उपदेश कराए पूरे संसार को, पूरे जगत को, किससे? भगवान ने देखा मैंने तो बहुत उपदेश किया, मैंने तो बहुत उपदेश दिया, गीता दिया, इतना बड़ा उपदेश दिया, अब थोड़ा कुछ मेरे भक्त बोले तो पितामह भीष्म से बुलवाए। अब यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, अपने भक्त वाल्मीकि से बुलवा रहे हैं मुझे कहाँ, ठीक है, पूछ रहे हैं। भगवान का प्रश्न है कि ऐ वाल्मीकि जी ऐसे जगह का निर्देशन करो। जब भगवान ने वाल्मीकि जी से यह बात पूछी तो वाल्मीकि जी कहते प्रभु सबसे पहले तो मुझे आप एक बात बताओ कि आप कहाँ नहीं रहते हो। प्रभु आप तो हर हर जगह पर घट घट पर रहते हो, आप हर एक घट घट में व्याप्त हो, अच्छा प्रभु क्या आप नहीं जानते हो कि आप कहाँ रहते हो और कहाँ रहना चाहिए आपको, अब बताइए क्या आप नहीं जानते इस चीज को। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सभी जगह समान रूप से, ऐसा नहीं है कि भगवान यहाँ पे
वृंदावन में 5 किलो के हैं तो बॉम्बे में 10 किलो के, ऐसा नहीं, भगवान हर एक जगह समान रूप से व्याप्त है ना। फिर भी प्रभु आपने पूछा, आपका आदेश है, इसलिए आपके आदेश का पालन करते हुए ये प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूं। वाल्मीकि ऋषि भगवान के रहने के लिए कुछ स्थान बता, बहुत महत्वपूर्ण हम गृहस्थों के लिए, ये जो स्थान बता रहे हैं सारे के सारे हम गृहस्थों के लिए और किसी के नहीं। आज हम लोग भगवान को अपने घर पे बुलाना चाहते, भगवान को अपने घर पे बिठाना चाहते चाहते हैं या फिर भगवान को अपने हृदय में बिठाना चाहते, यदि हम चाहते हैं कि इन सारी चीजों को, तो भगवान कैसे आएंगे हमारे घर में, कैसे आएंगे हमारे हृदय में, कैसे प्रकट होंगे, यदि ये जानना है तो रामायण का ये अद्भुत प्रसंग, जो लोग भगवान को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, भगवान को अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं, वो इस प्रसंग को। वाल्मीकि ऋषि प्रभु आप यही पूछना चाहते हो ना कि आप आपको कहाँ रहना, तो प्रभु सुनिए, मैं आपको जहां पर बोलता हूँ वहीं पर रहिए। अब देखिए एक बात क्या बोल रहे हैं, मैं जहां आपको बोलता हूँ वहीं पर रहिए। भगवान अपने भक्त की बात को नहीं टालते टालते कभी नहीं टालते। वाल्मीकि जी बोल रहे हैं कि वहां पर रहना चाहिए, है प्रभु मैं जहां बोल रहा हूं आपको वहीं पर रहिए, वहीं पर रहिए। आप जानते हैं भगवान अपने भक्त की बात को कभी नहीं टालते, अपने खुद बोले होते कि मैं इन इन स्थानों पर रहते हैं और कुछ अलग लोग होते तो वहां पर भी भगवान चले जाते थे, लेकिन क्योंकि वाल्मीकि ऋषि जी ने निर्देशन कर दिया है अतः भगवान इन्हीं स्थानों पर रहते हैं, इन्हीं स्थानों पर जाते हैं। ठीक है, उत्तर दे रहे हैं, सुनिए। हमारे मन में प्रश्न होता है कि भगवान कहाँ रहते हो, भगवान हमारे घर में आएंगे कि नहीं आएंगे, और सुनकर आप खुद विचार कर लेना कि आपके पास भगवान रहते हैं कि। उत्तर देते हुए वाल्मीकि ऋषि प्रथम स्थान का निर्देशन, आपके पास पेन पेपर होना चाहिए प्रश्न को सुनने के लिए, यू शुड हैव पेन एंड पेपर। पेन पेपर लेके बैठिए और नोट करिए कि भगवान कहाँ रहते हैं, और फिर आप मुझे सेंड करिएगा ओ इमेज खींच के कि भगवान कहाँ रहते हैं प्रभु से। ठीक है, और अपने आप को एनालाइज करके सेंड करिएगा कि प्रभु जी मेरे इधर तो शायद भगवान नहीं रहते। ठीक है, इस इसको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, एनालाइज खुद को करना है आप सबों को, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, तो एनालाइज करना है कि मेरे घर पे भगवान रहते हैं, मेरे हृदय में भगवान रहते हैं, मेरे इधर भगवान रहते हैं या नहीं। स्थान का निर्देशन करते हैं, प्रथम स्थान का निर्देशन करते हुए कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिनान। प्रभु संसार में जिनके श्रवण समुद्र के समान विशाल, जैसे समुद्र में निरंतर अनगिनत नदियां प्रवेश करते रहती है, ठीक उसी प्रकार जो लोग आपके कथा के कथा को अपने कर्ण के माध्यम से, अपने दोनों कर्णों के माध्यम से, दोनों रूपी कर्ण से नित्य निरंतर आपकी कथा को सुनता रहता है, राम कृष्ण और भगवान की कथाओं को, भागवत कथा को, रामायण को, गीता कथा को, गीता के क्लास को सुनता रहता है, प्रभु आप हृदय में रहिए, प्रभु आप उनके हृदय में निश्चित रहिए। भगवान को रहने का स्थान, भगवान कहाँ रहते हैं, जो लोग अपने कर्ण के माध्यम से 24 घंटा भगवान की कथा सुनते रहते हैं उनके हृदय में भगवान। परंतु साथ ही साथ एक शर्त बता रहे हैं, क्या, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, इनके ही तुम कहूं गृह रूरे। जो लोग अपने कर्ण के माध्यम से, सुनिएगा कंडीशन है बताया, आप उसके हृदय में रहिए जो आपकी कथा को सुनते हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं, भर ही निरंतर हो ही ना पूरे,
चौबीसों घंटे भगवान की कथा सुनते रहते हैं और उनके हृदय में भगवान रहते हैं, और इतना ही ना, भर ही निरंतर हो ही ना पूरे। 24 घंटा कथा सुनने के बाद भी यदि वह तृप्त नहीं होता है प्रभु, आप ऐसे व्यक्ति, आप ऐसे लोगों के हृदय में भगवान, हमारी हालत तो आ जाती है कि आपने आपको म्यूट कर लीजिए। इसमें वो ध्यान रखिए कोई म्यूट कर दे। हालत तो ऐसी है कि आज हम 1 घंटा प्रवचन सुन लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा वेद शास्त्र उपनिषद का ज्ञान हमें प्राप्त हो गया है, हम परम ज्ञानी हो गए, हमने भगवान की सारी लीलाओं का श्रवण हमने कर, है ना। मैं ऐसा लगता है हम मात्र 1 घंटा गीता क्लास सुनते हैं और हमें लगता है कि हमने पूरे जगत का ज्ञान ग्रहण कर लिया। डेली 5 बजे 6 बजे गीता क्लास होती है और 1 घंटा बैठ के गीता क्लास सुन लेते हैं तो हमें लगता है कि बाप रे बाप, इतना नॉलेज कहाँ रखूंगा प्रभु जी, मैं इतना नॉलेज कहाँ रखूंगा प्रभु, थोड़ा कम नॉलेज दिया करो, बहुत नॉलेज हो रहा है, इतना नॉलेज नहीं चाहिए, ऐसा हमें लगता है ना। पूरा उपनिषद पूरा सबका ज्ञान आ गया प्रभु, हम तो परम ज्ञानी हो गए, भगवान की सारी लीलाओं सारे उपदेशों का श्रवण कर लिया, हमने जीवन भर की कथा का सुन लिया, अब तो जरूरत ही नहीं। हम लोग कहते हैं अरे आओ कथा में आओ, भागवत कथा हो रही है, भगवान श्री राम के चरित्र कथा का वर्णन हो रहा है, गीता क्लास हो रही है। नहीं प्रभु, हमने तो राम कथा सुन, हमने तो भागवत कथा सुन रखी है प्रभु। ऐसे लोगों के हृदय में भगवान को नहीं रहने को कह रहे हैं वाल्मीकि, भर ही निरंतर हो ही ना पूरे, बार बार कथा सुनने से भी जो तृप्त ना होवे, बार बार जो कथा सुनते रहता है प्रभु, आप उनके हृदय में प्रभु आप रहो, उनके हृदय में रहो, इधर उधर के लोगों के हृदय में मत। हमें लगता है कि हम बस थोड़ी सी गीता क्लास सुन लिए, अब देखिए कितने कम लोग अभी जुड़े हुए हैं गीता क्लास में, मुझे लगता है कि 50% लोग भी नहीं जुड़े, और हमारे लगता है कि हमारे हृदय में भगवान रहते हैं, कहां से रहेंगे। कह रहे हैं बालक जी, निर्देशन कर रहे हैं क्या, भर ही निरंतर हो ही ना पूरे, मैंने भरते रहता है लेकिन पूरा होता ही नहीं है। अब सोचिए हम थोड़ा सा सुन लेते हैं तो हमें लगता है पूरा हो, हमने पूरा कह लिया, पूरा सुन लिया, और ऐसा शास्त्र कहता है कि अनंत काल से अनंत शेष, अनंत काल से अनंत शेष भगवान की अनंत कथाओं को गाते आ रहा है, कहां से, अनंत मुख से, अनंत काल से, पहले देखिए अनंत समय से अनंत शेष, भगवान से अनंत शेष, अनंत काल से भगवान की अनंत कथाओं को, तीसरा अनंत कथाओं को गाते आ रहे हैं, कहां से, अनंत मुख से, फिर भी भगवान की कथा को अभी तक पूर्ण नहीं की, पूर्ण नहीं कर पाए, हम बस क्या 1 घंटे सुनकर अपने आप को परिपूर्ण मान ले गए। कहते हैं संत बड़ा सुंदर कहते हैं कि सब धरती कागत करो लेखनी बन राय, सारे धरती को कागज करूं लेखनी बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं कृष्ण गुण लिखाना साय, मतलब पूरी धरती को यदि कोई पीस कर कागज बना देवे और जितनी भी यहाँ पे पेड़ पौधे हैं सबको कलम बना दिया जाए काट कर, जितना समुद्र में जल है उसको उसमें भरा जाए नींव के रूप में, फिर भी कृष्ण कथा को लिखना कृष्ण के गुण संभव ही नहीं। सब धरती कागज करूं लेखनी बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं कृष्ण कथा भगवान की कथा। आगे कहते हैं निद्रही सरित सिंधु सरभारी रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, वाल्मीकि जी कहते हैं जिसके समान समुद्र समाना है, उदाहरण देते हुए कहते हैं जैसे समुद्र में अथाह मात्रा में जल होता है और फिर भी वह किसी नदी को अपने में गिरने से मना नहीं करता। कभी आपने सुना है समुद्र ने कहा ए गंगा देवी अब बहुत गिर ले मेरे में, ए नर्मदा तुम तब से गिर रहे हो अब बंद हो जाओ, ए सरस्वती देवी अब बंद हो जाओ नहीं गिरना है मेरे में, ये यमुना नदी अब बंद करो बहुत गिर ली तुमने, कभी सुना है ऐसा समुद्र कह रहा हो।
बहुत हो गया, बंद कर लो, गिर लो, बंद करो अपना पानी, बहुत हो गया मेरे पानी, अब रुक जाओ। जैसे समुद्र में अथा मात्रा में जल होता है, फिर भी निरंतर उसमें अनेकों नदियां अथा जल के साथ गिरती रहती है, फिर भी समुद्र ने किसी को मना नहीं किया, वैसे ही जो अपने कान के माध्यम से अथा निरंतर मात्रा में भगवान की कथा को सुनते रहता है, प्रभु आप उनके हृदय में भगवान आप उनके हृदय में, बड़ा अद्भुत है ना यही प्रश्न। एक बार नारद जी भगवान विष्णु से कर दिए कि प्रभु आप कहाँ रहते हो, आपका ना एक विजिटिंग कार्ड दे दो मेरे को, आपके बहुत सारे भक्त लोग मिलते रहते हैं प्रभु, और जब वो मिलते हैं ना तो प्रश्न करते हैं कि अरे नारद जी ये बताइए भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, तो मैं उन लोगों को क्या कहूंगा, प्रभु एक काम करो आप मुझे ना अपना विजिटिंग कार्ड दे दो। समय भगवान ने कहा कि नारद हमने तो कभी अपना विजिटिंग कार्ड बनवाया ही नहीं, बना ही नहीं पाया नारद, क्या करूं अभी तक हमने कभी तक अपना विजिटिंग कार्ड बनवा ही नहीं पाया, जगत के कार्यों से फुर्सत ही नहीं मिला, कहां से कार्ड बनाओ। अच्छा प्रभु छोड़ो विजिटिंग कार्ड के, आप तो वैकुंठ में रहते होंगे ना, भगवान क्या कहते हैं, नारद नाहम वसामि वैकुंठे, हे नारद मैं वैकुंठ में नहीं रह, प्रभु आप वैकुंठ में नहीं रहते, अच्छा आप तो योगियों के हृदय में रहते होंगे, कितना योग करते हो लोग बेचारे, सवेरे सवेरे उठ जाते हैं, प्राणायाम, कपाल भाति भस्त्रिका, कभी पांव ऊपर कभी माथा नीचे, कभी नाक के बल बैठते हैं, कभी टांग के बल, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर मेहनत शुरू कर देते हैं, प्रभु आप तो उनके हृदय में ही रहते होंगे। भगवान नारद योगी नाम हृदेश, राधन हे नारद मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। नारद जी पूछते प्रभु आप कहाँ रहते हैं, तो भगवान कहते मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां मेरे भक्त मेरी कथा करते हैं, जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मेरे नाम लेते हैं, हे नारद मैं वहां नित्य निरंतर हूं। परम सत्य जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर भगवान निश्चित रूप से उपस्थित, ठीक है, परम सौभाग्य हम लोगों का भगवान को प्रकट कराने वाली, भगवान को हमारे हृदय में उपस्थित कराने वाली, स्थान देने वाली भगवान की कथा, और इसके अवसर, इस अवसर के पीछे मात्र और मात्र एक कारण, इस डिवाइन ग्रेस, ये सी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की ना। तत्पश्चात दूसरा स्थान बताते हैं, लोचन चातक जिनकरी राखी रही दास दर्श रही दरस जलधर अभिलाषी, जो अपने आंखों से भगवान का निरंतर दर्शन कर, जो मंदिर में जाकर भगवान को निहारते हैं अपनी आंखों के माध्यम से, भगवान को, भगवान के रूप को हृदय में बसाते हैं, हृदय में आप वो हृदय में बहुत सुंदर कर उनके घर में रहिए, देख रहे। और आज का क्या सिचुएशन है, हम मंदिर तो जाएंगे नहीं, ठीक है, हमें मंदिर तो जाना नहीं है, बस मंदिर जा रहे हैं, सामने से क्रॉस कर रहे हैं तो डर लगता, अरे मंदिर मंदिर प्रणाम नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा हमारा, प्रणाम नहीं करेंगे हमारा बिजनेस ठीक से नहीं चलेगा, वहीं कार में बैठे रहते हैं, भगवान के पास जाते हैं, पिपीक पिपीक, हाँ भगवान में आ गया, हमारे शिक्षा गुरु कृष्ण लाल गोविंद प्रभु कहते हैं कि जब बाद में लोग निश्चित नरक जाएंगे, लोग सीधे नरक जाएंगे, और जब नरक जाएंगे ना तो वहां पर हमारे राधा कृष्ण भी BMW में आएंगे, पीक पीक एकदम करते हुए, एक कहेगा भगवान अरे बचाई बचाई हमें, तुम्हारे राधा कृष्ण भी करेंगे पीपीक पीपीक, और ठीक है जैसे करके चल देंगे, तो ऐसा ऐसा नहीं करना, भगवान को अपने हृदय में। तीसरा स्थान बताते हुए कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण तीसरा स्थान, तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु जो लोग आपको भोग लगाकर
प्रसाद के रूप में उस भोजन को ग्रहण करते हैं। उन्हीं के घर पर आप जाओ, जो लोग बिना भगवान को भोग लगाए अपनी इंद्र तृप्ति के लिए भोजन करते हैं, प्रभु आप उनके घर पे मत जाओ। समझ रहे हैं? जो लोग बिना भगवान को भोग लगाए हुए भोजन करते हैं, भगवान के घर पे नहीं आते, कभी नहीं आते, नेवर आते ही नहीं है भगवान उनके घर। कुछ भी हो जाए भगवान उनके घर, या आप भगवान को बुलाना चाहते हैं तो भगवान को भोग लगाइए, जो भी खाइए भगवान को भोग लगाइए, नहीं खाएंगे भगवान नहीं, भगवान को बुलाना है, ठीक है। सब्जी खाते हैं भगवान? हाँ सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, जो खिलाना खिलाइए। भगवान क्या खाते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्ता प्रशति ना। भगवान मांस मछली अंडा चाय कॉफी प्याज लहसुन दारू तंबाकू भांग गांजा नहीं खाते, ठीक है। बाद बाकी सब कुछ, जो पत्र है जो पुष्प है जो फल है भगवान उसको खाते, ठीक है। मतलब कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठता है, प्रभु भगवान चाय से क्या प्रॉब्लम, चाय में तो कुछ नहीं हो। कभी रामायण में कभी आपने सुना भगवान चाय ना, राम चाय पी रहे थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा बोले चाय लाओ मेरी माता, नहीं कभी नहीं बोले। मशरूम भी खाते हैं क्या प्रभु जी? हाँ मशरूम नहीं चलता है, मशरूम को तो हम एक बार यूट्यूब पर देखे थे, अमोघ प्रभु जी बताए कि मशरूम भी वर्जित है। हाँ मशरूम नहीं चलेगा, मशरूम नहीं खाते। एंड विनीगर आल्सो प्रभु, विनीगर आल्सो यार। अब विनीगर बहुत ज्यादा खट्टा होता है तो शायद से इसलिए नहीं यूज करते उसको, उसके स्थान पर नींबू यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके प्रभु, ओके। अतः भगवान को देखिए क्या कह रहे हैं कि चाय भगवान नहीं पीते, चाय नहीं चाहिए। हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं हम लोग भारतीय हैं, भारतीय हैं, लेकिन हम लोग गुलाम बन बैठे हुए हैं चाय वालों के। पहले चाय नहीं थी, जब तक यहाँ पे ब्रिटिश शासन नहीं आया उससे पहले चाय नहीं थी, उन्हीं लोगों ने चाय बनाया सिखाया हम लोग। हम पेशेंट को भी सब चाय मना करते हैं प्रभु जी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, चाय नहीं पिलाना है ना। तो भगवान को सावधानी पूर्वक से भोग लगावे, तत्पश्चात भगवान को भोग लगाने के बाद भोजन को प्रसाद के रूप में खाएं, ठीक है। यदि कैसे लगाना है, किस प्रकार को हम निवेदन करें, ये जानना है तो आप हमें व्यक्तिगत रूप से मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, है ना। इस चीज को ध्यान रखना है कि यदि हम बिना भगवान को भोग लगाए हुए कुछ भी फूसते रहते हैं, उसको खाना नहीं बोलते, उसको फूसना बोलते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, डालो डालो, वो कचड़ा पेटी देखा है आपने, उसमें कुछ भी डाल दो, है कि नहीं। कचड़े की पेटी में कुछ भी डाल दो, धड़ा धड़ डरा धड़ डाल दो, वो लेते जाएगा, है कि नहीं, वो लेते जाता है, प्रॉब्लम नहीं है उसको। तो उसी प्रकार से हमारा ये पेट को हम कचड़ा पेटी बना दिए, कुछ भी बाहर मिल गया डाल दो, इधर मिल गया डाल दो, उधर मिल गया डाल दो, ऐसे नहीं करना है। भगवान को निवेदन करो और उसे प्रसाद, उसको प्रसाद, ठीक है, तो अच्छा है। प्रसाद नहीं देंगे तो बड़ा बुरा है। सावधानी पूर्वक भगवान को भोग लगावे, तत्पश्चात प्रसाद को, ठीक है। चौथा स्थान बताते हैं, शीश नवाहि सुरगुर द्विज देखी प्रीति सहित करी विनय विशेषी। गुरु को देखकर, ब्राह्मण को देखकर, वैष्णव को देखकर जो शीश झुकाते, शीश झुकाते हैं, जो उनका सम्मान करते हैं, मतलब इन शॉर्ट हे प्रभु, जो आपके भक्तों का सम्मान करते हैं, जो आपके भक्तों से प्रेम करते हैं, जो आपके भक्तों को अपने घर पर बुलाते हैं, उन्हें प्रसाद देते हैं अथवा उनकी सेवा करते हैं किसी भी प्रकार से, हे प्रभु आप उनके घर पे जाओ, आप उनके घर पे निश्चित जाओ। चौथा स्थान, पांचवा सॉरी, चौथा स्थान हो गया शीष नवाही सुर गुरु द्विज देखी। पांचवा, कर नीत कर ही राम पद पूजा, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा। जो अपने हाथों से भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं,
भगवान के लिए हार माला बनाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, उनके घर पर आप जाओ प्रभु। जिनको इतना भी फुर्सत नहीं कि आपको अगरबत्ती भी नहीं दिखा पाए, उनके घर पे आप जाके क्या करोगे, वो तो रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकते। अब बताइए कोई गेस्ट आपके घर पे आवे, आप उनको मतलब क्या कहते हैं, पानी के लिए भी नहीं पूछ सके, नाश्ते के लिए पूछ नहीं सके, बैठने के लिए चेयर नहीं दे सके, तो ऐसे व्यक्ति आपके घर पे आके क्या करेगा बताइए तो आप हमें। क्यों आएगा ऐसा व्यक्ति आपके घर पे, है कि नहीं है, क्यों आएगा आपके घर पे? प्रभु जो आपकी पूजा करे, और क्या राम भरोसे हृदय नहीं दूजा, मतलब और कहीं इधर उधर नहीं भटके, व्यभिचार भक्ति बंद करे, सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति करे, के घर पे चले एकदम जाओ प्रभु। छठा चरण प्रभु जी, व्यभिचार का मतलब क्या, व्यभिचार भक्ति? व्यभिचार भक्ति मतलब आज सोमवार है भगवान श्री कृष्ण के पास जाएंगे, मंगलवार है बजरंग बली के पास जाएंगे, बुधवार है दुर्गा देवी के पास जाएंगे, गुरुवार है बृहस्पति देव की इंद्रदेव के पास जाएंगे, शुक्रवार है फलाने देव के पास जाएंगे, शनिवार है शनि देवता के पास जाएंगे, रविवार है दूसरे देवता के पास जाएंगे। इसको व्यभिचार भक्ति कहते हैं भगवान गीता में, याद है ना, हमने पढ़ा था, याद है कि नहीं किशन प्रभु? श्लोक नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़े थे उसे, शायद से ये दूसरा या तीसरा कि चौथा में कहा था प्रशांत प्रभु, आपने पढ़ा था? जी प्रभु, तीसरा अध्याय था कि चौथा अध्याय था? चौथा अध्याय था प्रभु, चौथे अध्याय में प्रभु ये वर्णन। ओके, आई विल सर्च। ओके ठीक है, इसको व्यभिचार भक्ति कहते हैं। ये भक्ति बंद करना होगा, ये भक्ति करेंगे तो फिर भगवान बोला अरे चलो ये जो हरिद्वार भागते रहता है। अब देखिए कोई, आप इसको साधारण समझिए, कोई स्त्री है, स्त्री का क्या कर्तव्य है कि वह अपने पति के ऊपर क्या करे, पूर्ण रूपेण क्या होवे, निर्भर होवे, है कि नहीं, समझ रहे मेरी बात को? उसको कंपेयर करिए, कोई स्त्री है तो उसे क्या चाहिए, वह अपने पति को पूर्ण रूप से सरेंडर कर दे। अब वो करेगी नहीं, सोमवार को इनके साथ, मंगलवार को उनके पास, तीसरे गुरुवार को उनके पास, ऐसे 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 करके भटकते रहे, तो फिर कैसे वो पति उससे कैसे प्रेम करेगा, कैसे उसके साथ रह पाएगा? पति तो तब रहेगा ना जब उसको फुल्ली सरेंडर करेंगे, वो ये मेरी पत्नी है। भगवान तो ऐसे आएंगे ना जब हम अपने आप को पूर्ण उसको उनको सरेंडर कर देंगे, ये मेरे भगवान है प्रभु, आप सिर्फ मेरे और मैं आपका हूं और किसी का नहीं प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आप मेरे हो और मैं आपका हूं, और मुझे किसी किधर नहीं जाना, किधर भी नहीं जाना है, किधर भी नहीं जाना। तो ये बड़ा अद्भुत है, इस प्रकार की भक्ति हो, व्यभिचार भक्ति करेंगे तो फिर दिखे ठीक है। और कितना स्थान हुआ, पांच हुआ ना, छह हो गया प्रभु। चौथा था शीश नवाही, जो गुरु ब्राह्मण को देखकर, पांचवा था जो पूजा करे, छठा है चरण राम, ये छठा जो है तीर्थ में जाने वाले, चरण राम तीर्थ चली जाही, राम बसहू तिनके मन माही। बड़ा सुंदर कह रहे हे प्रभु, जो भगवान के, जो व्यक्ति आपके पवित्र धामों में विचरण करे, वृंदावन, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, मायापुर, गोकुल, जगन्नाथपुर, ऐसे पवित्र धामों में जो विचरण करते हैं प्रभु, आप राम, हे राम बसहु तिनके मन माही, आप उनके मन में ही बसी प्रभु। ये छठा था नहीं जी प्रभु, तो इसलिए हमें भगवान के धाम में भी जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं मायापुर यात्रा अप्रैल अथवा मई में, आप सभी भक्त आइएगा ठीक है, सभी को मैं अभी से आमंत्रित कर रहा हूँ, सभी भक्त आइएगा। और फिर हम लोग प्लान कर रहे हैं कार्तिक में वृंदावन यात्रा, आप सभी भक्त मायापुर और वृंदावन यात्रा दोनों आइएगा, आप लोग बहुत भगवान के धाम को घूमेंगे, कथा होगी, प्रसाद होगा, लेक्चर होगा, कीर्तन होगा, आनंद ही आनंद, परमानंद। ओके, सभी भक्तों को आना है, अभी से इन्वाइटेड है आप लोग। अंत में कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण, लास्ट में की गई बात आप जानते हैं ना, अंतिम में सबसे महत्वपूर्ण बात कही जाती है, मालूम है, सबसे अंत में कह रहे हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण, मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम ही सहित परिवारा। राम, यदि कोई मंत्र राज, महामंत्र,
जो सभी मंत्रों का राजा है, ऐसे महामंत्र कलयुग में कौन सा? हरे कृष्ण महामंत्र। हे प्रभु, जो ऐसे महामंत्र का जाप करता है उनके घर पर आप तुरंत चले जाना, डीले मत करना वहां जाने में प्रभु, तुरंत चले बिना देर किए हुए, क्योंकि वो व्यक्ति परम पवित्र होता है प्रभु, परम पवित्र। पूजा ही तुम ही सहित परिवारा, और एक चीज बता रहे हैं कि तुम्हारी पूजा करता है ऐसा व्यक्ति, वो अकेले बैठकर नाम जप नहीं करता, वो पूरे परिवार को बिठाकर जप करता है और पूरे परिवार के साथ तुम्हारी पूजा, ठीक है? इसलिए रामायण पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, सिर्फ मंत्र नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, नहीं तो फिर लिखा रहता मंत्र नीत जप ही तुम्हारा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मंत्र राजू। क्या लिखा हुआ है? मंत्र राजू, जो मंत्र का किंग है। कलयुग में तो एक ही मंत्र है, एक ही मंत्र जो सभी सभी मंत्रों का महामंत्र है, जो राजा है वह है हरे कृष्ण महामंत्र। उस मंत्र को, क्योंकि मंत्र नहीं लिखा होता तो मंत्र तो अनेक है, किसको जपोगे? प्रभु किसको जप लो, गायत्री मंत्र जप लो? नहीं प्रभु, मृत्युंजय मंत्र से तो ज्यादा प्रभावशाली महामृत्यु, तो उससे मैंने सुना है गणेश जी का मंत्र, अच्छा उससे शनि देवता, मतलब कौन सा मंत्र जप लूं प्रभु? इसलिए यहाँ टेंशन नहीं लेना है, लिखा है साफ साथ मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, उज ही तुम ही सहित परिवार, मंत्र राज का वर्णन है। पढ़िए आप रामायण में किसको जपने के लिए बोला गया? मंत्र राज को, मंत्र को, मंत्र राज को जपना है, सभी मंत्रों का राजा भक्तों, सभी मंत्रों का राजा एक ही मंत्र है संसार, इस कलयुग में महामंत्र, जिस मंत्र में भगवान राम का नाम और जिस मंत्र में सर्वतारी सर्वपरि भगवान श्री कृष्ण का नाम, उस मंत्र को जपो। वो मंत्र क्या है, कौन बताएगा? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो जो इस मंत्र का जाप करता है प्रभु, आप ऐसे व्यक्ति के घर पे जाते हैं। इस प्रकार सात स्थान का वर्णन किए, कहां आपको रहना चाहिए, और एक और स्थान का वर्णन किए जहां पर भगवान उस समय तत्काल जाकर रहते हैं। कौन सा? चित्रकूट गिरी करहूं निवासा, कह तुम्हार सब भांति सुपासो। चित्रकूट गिरी करहूं निवासो, कह तुम्हार सब भांति सुपासो। हे प्रभु, चित्रकूट जाइए और चित्रकूट जाकर आप निवास। प्रभु जी, एक बार और बताइए ना सातवां स्थान। सातवां स्थान था मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, ही पूजा ही तुम ही सहित परिवार परिवार, जो आपके मंत्र राज हरे कृष्ण महामंत्र को जप करता हो उनके घर पर जाके, ठीक है? इस प्रकार भगवान ने आठ स्थानों का वर्णन किया। कितने? आठ स्थान। सातवें आठवें स्थान पर तो भगवान उस समय तत्काल रहने के लिए गए, और सातों स्थान जो है, ऐसा बात नहीं है कि चित्रकूट में भगवान आज नहीं रहते, भगवान आज भी वहां रहते, ठीक है? लेकिन ये जो सात स्थान बताए, आज भी कोई व्यक्ति ये सात कार्य करता है तो भगवान वहां पर आके विराजमान हो जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं, क्योंकि भगवान एक बार अपनी बात को ठुकरा सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन भक्त ने कह दिया तो वो बात तो कभी ठुकराएंगे ही नहीं भगवान, ये बात तो आप जानते ही होंगे। भक्त ने कह दिया ये बात कभी भी भगवान नहीं ठुकराएंगे, समझ रहे मेरी बात को, है ना? तो इस प्रकार से भगवान इन सातों स्थान पर रहते हैं। अब आप खुद एनालाइज करिए, क्या आप ये सातों कार्य, आप ये सातों कार्य करते हैं भगवान निश्चित आपके इधर रहते हैं, और यदि आप नहीं करते हैं, ठीक है? आप ये सेल्फ एनालाइज यहाँ पर करिए और हमको फिर व्हाट्सएप करिए,
मैसेज करिए, कॉल करिए कि प्रभु जी मेरे इधर तो भगवान नहीं रहते, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा, आलोक प्रभु जी। प्रभु जी, एक मेरा क्वेश्चन है जो मन में बार बार विचार आता है कि आप, हम लोग पढ़ते हैं भगवान कृष्ण, भगवान राम विष्णु के अवतार हैं, और कुछ लोग बताते हैं कि परमात्मा शिव हैं जो सभी आत्माओं के पिता हैं, तो कंफ्यूजन आ जाता है बीच में। सभी इस तरह का बात सुनकर नहीं सुनना है, ठीक है जी। मैं तो यहाँ देख बोलता हूँ, मेरी बात को नहीं सुनना है आपको, फिर कहाँ जाए हम लोग? फिर आप, अब आपको जो सोर्सेस बताते हैं वहां पर जाइए और वहां पर पढ़िए, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि भगवान कौन है। आपका वो हम वीडियो देखे हैं जिसमें आपने बोला है कि जैसे पिता का परिचय माता कराती है, उस तरह हम लोगों का परिचय गीता, भागवत गीता और वेद से हम लोग का परिचय होता है, कि वही हमारा परमात्मा पिता का परिचय कराता है। तो आप देखिए कि जैसे कुछ संस्थाएं हैं जो भगवान को अलग अलग, जैसे एक संस्था है वर्जा पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, बोलते हैं कि शिव पिता है और शिव भगवान है, इस तरह के लोग हैं। देखिए इस चीज को बड़ा आसानी से आप समझ सकते हैं आलोक प्रभु, आप कोई भी शास्त्र वेद लिख लीजिए, ठीक है, और वहां पर देखिए कि जब शिव जी बोलते हैं तो वहां लिखेंगे श्री शिव वाच, जब ब्रह्मा जी बोलेंगे श्री ब्रह्मा वाच, जब देव वाच, जहाँ भगवान बोलते हैं, जहाँ पे विष्णु कृष्ण या राम बोलते हैं वहां पे क्या कहते हैं? श्री राम वाच कभी सुना है आपने? श्री विष्णु वाचक कभी सुना है आपने? श्री कृष्ण वाचक कभी सुना है जीवन में आपने? नहीं, श्री भगवान वाचक। तो देख, हमने कल भी बताया कि लोग मनगढ़ंत भक्ति करते हैं। अब अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज, ठीक है। लोग मनगढ़ंत भक्ति करते हैं और ऐसे मनगढ़ंत भक्ति का हल क्या होता है? कल आपको हमने एक उदाहरण देके दिखाया किस प्रकार उस माता पिता ने अपने बच्चों को मार दिया। तो ये सब ऐसे ही होते हैं, वो ये जो है वो ब्रह्म ज्योति वाले, फिर वो ब्रह्म की ज्योति में ही लीन हो जाते हैं। भगवान कह रहे थे ना परसों के श्लोक में कि ब्रह्म से निकलने वाली जो ज्योति भी है ना, उसका अस्तित्व भी मैं ही हूँ। लेकिन वो व्यक्ति फिर वो अस्तित्व में नहीं पहुंच पाते, वो ज्योति में ही लीन होकर रह जाते हैं और उनका जो फ्यूचर होता है बहुत अंधकारमय होता है। जब वो ऐसे स्थान में लटक जाते हैं ना, तो बहुत सालों तक रहना पड़ता है वहां पर, और वहां पर उन्हें कोई कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है। बस सिर्फ और सिर्फ वैकुंठ से निकलते हुए दूतों के द्वारा कभी कभी कीर्तन करते हुए जब वो निकलते हैं तो उनके मुख से निकले हुए हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि सुनाई पड़ती है और कुछ नहीं। तो ये इस प्रकार के वैलिड नहीं है, इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए, ठीक है। जी प्रभु जी, जो शास्त्र में है जो प्रमाणित है वही, हमने तो कल भी सुना है आपको, कल आपने बोला क्या कहते हैं अभी, क्या वो ब्रह्म कुमारी वाले बोलते हैं कि शिव जी मुक्तिदाता है, शिव परम परमात्मा है, उनसे सब कुछ प्रकट है। और हमने कल क्या पढ़ा कि शिव जी क्या कहते हैं? शिव जी भी भक्ति करते हैं भगवान के, दिन रात वहीं बैठकर भक्ति करते हैं, दिन रात भक्ति करते हैं। और मुक्ति देने वाला कौन है? क्या बताया कल भगवान, कल भोलेनाथ ने पद्म पुराण में क्या बताया? मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णु एव न संशय। मुक्ति प्रदाता सच्चिदानंद विष्णु एव न संशय। मुक्ति प्रदान करने वाले कौन है? सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं, और कोई दे ही नहीं सकता, किसी के पास पावर ही नहीं है, कहां से दे देगा आपको मुक्ति? दूसरी बात, भोलेनाथ खुद कहते हैं पद्म पुराण में इस बात को, आराधना नाम सर्वेशु विष्णु आराधना परम। समस्त आराधनाओं में से भगवान श्री विष्णु की आराधना परम है। तो फिर तो वो यही कहते, जैसे भगवान कहते हैं गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज, वहां तो भोलेनाथ कहते हैं आराधना नाम सर्वेशु मम याराधना परम। भोलेनाथ कहे क्या, बताइए, उसे पूछिए क्या भोलेनाथ इस प्रकार से कहीं कहे हैं कि आराधना नाम सर्वेशु मम आराधना परम? नहीं, क्यों नहीं कहे? वो तो कह रहे हैं आराधना नाम सर्वेशु
विष्णु आराधना परम। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आओ। कहां ऐसा भूलना, क्या बताइए, फिर आप कैसे उन्हें मान रहे हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि अरे गीता का ज्ञान कृष्ण ने थोड़ी दिया है, वो तो शिव बाबा ने दिया है। हाँ शिव बाबा दिए हैं, बात बोलते हैं गीता का भगवान शिव है। अब कोई मूर्ख व्यक्ति भी इस बात को विश्वास, इस चीज का मतलब वो कितना भी बोलते हैं अंदर विश्वास नहीं होता है कि मतलब बहुत सारे लोग हैं हमारे डॉक्टर बंधु जो जुड़े हुए हैं, उन लोग इस चीज को बोलते हैं तो फिर विश्वास ही नहीं होता है अंदर से खुद अपने आप कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं घर आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती क्या, जैसे आध्यात्मिक प्रगति उल्टा पतन हो जाता है। एक में तो इससे भोलेनाथ खुद प्रसन्न नहीं होते, भोलेनाथ तो बहुत क्रोधित रहते हैं ऐसे लोगों से, बहुत क्रोधित रहते हैं। मैंने बोला कुछ और है और ये पगले लोग कुछ कर रहे हैं। अब देखिए जैसे मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अरे भाई कृष्ण भगवान है, कृष्ण की भक्ति करो। हाँ अब आप लोग क्या करें, ठीक है, प्रभु जी की मैंने एक जैकेट बहुत सुंदर दिख रहे प्रभु जी, फोटो लिया लगा दिया दीवार में, मेरी पूजा करने शुरू कर, मुझे कितना बुरा लगेगा, कितना क्रोधित होंगे, आप समझ रहे हैं प्रभु, हटा दूंगा मेरे क्लास में आएंगे। प्रभु किसका फोटो लगाना चाहिए, फोटो किसका लगाना चाहिए घर में, कृष्ण राधा कृष्ण और चाहे प्रभु जी, जो जो शैव परंपरा से होते हैं वो, जैसे आपने उनका नाम सुना होगा आशुतोष महाराज जी का, हमने उनके बारे में सुना था, वो शैव जो है शिव मतलब वही जो निराकार रुद्र संप्रदाय, हाँ तो वो उनका क्या है, उनका मुझे समझ नहीं आता, हालांकि वो मतलब साधना पे ज्यादा जोर देते हैं। ओरिजिनल शैव भी जो है ना हम ही लोग हैं, ओरिजिनल जो शैव है ना, शैव भक्त है ना, वो कौन है, कौन है ओरिजिनल शैव, वो हम लोग ही हैं, क्योंकि हम लोग, अब देखिए आप किसी का प्रिय होना चाहते हैं, कृपया माफ करिए, प्रभु जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो मतलब अपने गुरु को पूछते हैं, वो अपने गुरु को ही मानते हैं, उनका ही सब कुछ करते हैं, भगवान की कथाएं वगैरह भी सुनाते हैं वो, पर वो मतलब गुरु पूजन ज्यादा करते हैं, पता नहीं हमें, हमने पढ़ा देखा नहीं कभी। लेकिन मैं एक चीज जो बताने चाहूंगा आपको, शिव भक्त ओरिजिनल कौन है, बहुत प्रश्न उठता है ना, शिव जी के भक्त कौन है, वास्तविकता में देखा जाए, थोड़ा देर म्यूट करिए आलोक, शिव जी के वास्तविक भक्त जो है ना कौन है मालूम है, शिव जी के भक्त वास्तविक में हम लोग हैं, हम लोग वास्तविक शिव जी के भक्त हैं, और शिव जी को प्रिय भी इस दुनिया में कोई है तो हम ही लोग हैं, और दुनिया में कोई उनको प्रिय नहीं है, कोई भी नहीं। ब्रह्म संहिता आल्सो सेस सेम थिंग, खीरंग यथा दधि विकार विशेष जोगत संजायते नाही तथा पृथगस्ति हेतु यह शंभु तामापि तथा समुपस्थित करते। अब इसको अब अपना थोड़ा सा भी अपना सेंस यूज करके इसको समझ सकते हैं। आप देखिए जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का प्रिय होना चाहता है, ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए, साधारणतः जो उसने कहा है उसके ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। अब मैं जब वह व्यक्ति देखता है कि यह मेरे आदेशों को बहुत अच्छी तरह से मान रहा है, तो स्वाभाविक उनका प्रेम उसके प्रति क्या होगा, बढ़ेगा ना, उसके प्रति प्रेम होगा। उसी प्रकार से अब देखिए भोलेनाथ के ओरिजिनल आदेशों का पालन कौन कर रहा है, हम पालन कर रहे हैं, आराधना नाम सर्वेशु विष्णु आराधना परम, हम भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी नहीं करता वह किसके समान मुझे दुष्ट, वह मेरा भक्त नहीं, वह मेरा सबसे बड़ा दुष्ट है। शिव जी के भक्त कभी भी एकादशी नहीं करते, जो तथाकथित शिव भक्त है वो कहते हैं कि हम एकादशी नहीं करेंगे। एकादशी कौन करते हैं, हम लोग करते हैं, तो प्रिय कौन हुए शिव जी को बताइए। राम नाम का जब कौन करता है, भोलेनाथ कहते हैं देवी पार्वती जब कोई रौ बोलता है ना तो मेरे को लगता है क्या ये आम बोल देगा क्या, मतलब राम ही बोलने वाला है कि मैं अपने कान लगा देता हूँ उसको। हरे कृष्णा हरे राम कौन बोलता है, हम लोग बोलते हैं दिन में। सोयला माला जब करते हैं, भोलेनाथ किधर कान लगा के सुनते होंगे, हम लोग किधर ही कौन सुनते होंगे ना, तो ओरिजिनल जो शिव भक्त है वो भी हम लोग ही है, हम लोग ओरिजिनल शिव है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रभु जी पूजा कर रहे हैं जो शिव जी को जाते हैं नमः शिवाय, आजकल तो कुछ मूर्ख लोग आधे मंत्र का भी जप कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वहां पे तो शिव जी ध्यान नहीं देते, लेकिन
जो राम बोल रहा है, जो कृष्ण बोल रहे हैं ना, कान शिव जी दोनों कान ऐसे करके बोल भाई बोल बोल मैं सुन लूं, वेट करता है। र बोल चुका है तो म बोलने का वेट करता है, करते हैं भोलेनाथ। समझ रहे हैं इस चीज को प्रभु जी? जी प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि भगवान राम जब जाते हैं वनवास तो वहां पर वो रामेश्वरम शिवलिंग स्थापित करते हैं, भगवान शिव का पूजा करते हैं, तो इस प्रसंग में देखिए वहां पर भगवान शिव चंद्र मनुष्य लीला कर रहे हैं, ठीक है, मनुष्य लीला कर रहे हैं और यह दिखा रहे हैं कि हमें भोलेनाथ के आदेशों का पालन करना चाहिए, हमें भोलेनाथ को अपना आराध्य मानना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, वैष्णवान हम यथास्तंभू हैं, ठीक है। ब्राह्मण हत्या का भी दोष को करने के लिए ऐसा किया, वो तो खैर बाद की बात थी, लेकिन वो तो बाद में उन्होंने ब्राह्मण हत्या किया, लेकिन पूर्व में उन्होंने रामेश्वर का स्थापना किया। वो दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान मनुष्य, ठीक है। और आप देखिए प्रभु जी, हम लोगों को देवी दुर्गा गणेश और सब लोग पूजा करनी चाहिए, शिव भगवान को जल अर्पण करना चाहिए। देखिए पूजा करने में और जल अर्पण करने में कोई दोष नहीं है, हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आप नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप भोलेनाथ को जल अर्पण नहीं भी करते हैं अथवा आप भोलेनाथ देवी दुर्गा शिव काली की पूजा नहीं भी करते तो कोई दोष नहीं है, उल्टा वो लोग प्रसन्न ही है आपसे, लेकिन हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान शिव अपना कृष्ण का पूजा करें, अपना विष्णु भगवान का पूजा करें। जैसे कोई व्यक्ति जड़ में पानी दे देवे तो वह पानी स्वतः जो है सो पहुंच जाता है तनों में और पत्तों में, उसी प्रकार जब कोई भगवान कृष्ण की पूजा कर लेवे तो उसकी पूरी जो पूजा है ना, समस्त देवी देवता समस्त सांगोपांगी हो जाती है, प्रॉब्लम ही नहीं है, सब लोग पूर्ण प्रसन्न हो जाते हैं उनके ऊपर, सब लोग पूर्ण प्रसन्न हो जाते हैं। जयपदा स्वामी महाराज यहाँ तक कहते हैं कि जब हम खुद मतलब जब केवल हम भोलेनाथ को भोग करते हैं अथवा देवी दुर्गा देवी काली को भोग अर्पित करते हैं तो इसमें संदेह है कि वह उन्होंने भोजन ग्रहण किया या नहीं, वह भोग ग्रहण किया, उसमें संदेह है, वह शायद नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम कृष्ण को अर्पित करते हैं और यदि उन्हें देते हैं तो वह दौड़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यदि हम करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम उन्हें प्रणाम करें, पूजा करें और उनसे कृष्ण भक्ति मांगे कि हे देवी दुर्गा आप हमें कृष्ण की प्राप्ति करिए, हे भोलेनाथ आप तो वैष्णवों के यथास्तंभ हैं, हमारे पर ऐसी कृपा करिए कि हम वैष्णव अच्छे एक शुद्ध वैष्णव बन सके, शुद्ध भक्त बन सके। ओके प्रभु, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा कोई का प्रसाद नहीं लेते, इफ इट इज नॉट ऑफर्ड टू द नारायण सो वी विल नॉट टेक दैट प्रसाद आल्सो, क्योंकि वह जो होता है सो डायरेक्टली क्या करते हो, जैसे कुछ पंडित जी लोग क्या करते हैं, वह ले सकते हैं एक कंडीशन में, यदि वह प्रसाद कृष्ण को अर्पित है फिर इनको अर्पित है तो ले सकते हैं, पहले कृष्ण को अर्पित अर्पित किया तो ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जनरली यह होता है कि ये जो पुजारी होते हैं पंडित होते हैं वह क्या करते हैं, वह इनको मतलब अन्य देवी देवताओं को कृष्ण से भिन्न मानते हैं अथवा उनसे बड़े मानते हैं, इस प्रकार से अपराध करते हैं वो, और यदि हम लोग उस प्रकार के उस प्रसाद को खाते हैं तो फिर वो अपराध जो है सो हमें भी आने लगता है, इसलिए इसे बचना चाहिए। दोष नहीं है हम लोग प्रसाद लेवे तो, लेकिन वही यदि उसने उस भाव से अर्पित किया हो तो, लेकिन भाव वहाँ कुछ और ही होता है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम। हरे कृष्ण जी प्रभु जी, मेरा ये सवाल था, जैसे कोई व्यक्ति शिव का उपासक है, मतलब भगवान शिव का उपासक है, मतलब भगवान शिव को हृदय से प्रेम करता है और वो सदाशिव धाम में भगवान शिव उसको जगह देते हैं, तो क्या वो उसके लिए मुक्ति नहीं है, क्या उसका फिर से वहां से पतन हो जाएगा? ऑफ कोर्स जब ये खत्म होगी सृष्टि पूर्ण होगी तो फिर तो खत्म हो जाएगा ना, सृष्टि में तो पूरा सब कुछ खत्म हो जाता है और फिर भोलेनाथ भी उस समय नहीं रहते, भोलेनाथ का तो फिर प्राकट्य होता है ना, भोलेनाथ तत्व तो मतलब वो अलग तत्व ही है ना, हाँ, भोलेनाथ अलग तत्व है, लेकिन भोलेनाथ कोई पोस्ट नहीं है अथवा वो पोस्ट चेंज नहीं होता है, जैसे ब्रह्मा जैसे इंद्र चेंज होता है, भोलेनाथ चेंज नहीं होते हैं, वह भगवान स्वयं ही है जो अभी क्या थोड़ी देर पहले श्लोक बताइए तो सुरपति प्रभु, या खीरंग जथा दधि विकार विशेष जोगत संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु यह संभुता मापी तथा समुपैत कर्म गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान खुद को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे दही बनता हो वैसे भगवान भोलेनाथ के, ठीक है।
जी प्रभु, मतलब मेरा यही सवाल था, मतलब सदाशिव धाम से पतन मतलब हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, शिव जो शिवगण है, आपने आपने देखा कोई शिव भक्त जो मतलब जिनको मुक्ति मिली हो? रावण से बड़ा कौन कौन है? रावण से बड़ा शिव भक्त कोई नहीं है। क्या उनको मुक्ति मिली? भगवान के हाथों मृत्यु मुक्ति ही है प्रभु। वो तो क्योंकि भगवान के दास थे, प्रकार से देखिए तो वो जय विजय है ना, तो भगवान के हाथ मरना ही था। अब देखिए फिर इनको क्या कहते हैं, भस्मासुर। शिव जी के बहुत बड़े भक्त हुए और शिव जी को ही मारना चाह, इनकी पत्नी बड़ी सुंदर है मैं ले जाऊंगा। तो इस प्रकार की जो है सो क्या होता है जब हम उपासना करते ना, तो थोड़ा बहुत मतलब पति की इच्छा या थोड़ा मतलब कुछ गलत ऐसी हो जाती है। ठीक है प्रभु, बहुत सारे आदमी बोलते हैं शिव जो निराकार का भी प्रतीक है, सो शिव इज सिंबल ऑफ निराकार। पता नहीं प्रभु, शिव जी का स्वरूप है, फिर निराकार कैसे मानते हैं लोग, वही जाने। शिव जी का स्वरूप देखिए, अब बताइए शिव जी को निराकार मानते हैं, अब शिव जी का स्वरूप का इतना सुंदर तरीके से रामायण, तीन तीन जगह वर्णन, रामायण में वर्णन, भागवत में वर्णन, शिव पुराण में वर्णन, अब बताइए कैसे निराकार हो गए। उनका विवाह का प्रसंग सुनिए, कितना सुंदर उनके रूप को सजाया गया है, सब कुछ एक एक चीज किस प्रकार से उनको सजाया गया सब वर्णन है। अब बताइए exactly. निराकार व्यक्ति को आप सजा सकते हैं क्या? नहीं प्रभु जी, प्रभु जी थोड़ा सा एक और क्वेश्चन बताते हैं, जैसे सृष्टि का उत्पत्ति का क्रम बताते हैं हम लोगों को, सृष्टि का उत्पत्ति का क्रम। अब प्रशांत प्रभु, क्या आपके पास वो वीडियो है जिसको आप मैंने भेजा था आपको, सृष्टि का उत्पत्ति वाला? जी प्रभु जी, आप भेज सकते हैं इनको आलू प्रभु को, आप तो एग्जाम में होंगे, व्यस्त होंगे ना? जी प्रभु, मैं भेज दूंगा फिर। अब इस समय मिले तो थोड़ा भेज दीजिए, तो आपको एक वीडियो भिजवा देता हूँ प्रभु, आप उसको देख लीजिए। जी प्रभु, ठीक है, उसमें अच्छे से हमने वर्णन किया डिटेल में, आप समझ जाएंगे विद टाइमिंग कि कौन से कितने टाइम समय में होता है कौन। प्रभु जी, लॉर्ड शिवा तो टॉप वैष्णव में आते हैं। वैष्णव नाम यथाशंभु, वैष्णव शिरोमणि है ना, मतलब द्वादश महाजन का फर्स्ट महाजन। यस, हाँ, हमें शिव जी से हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। ऑफ कोर्स, एक भक्त मुझे बड़ा सुंदर बताए थे, देखिए कि कुछ लोग क्या करते हैं कि भोलेनाथ का पान कर देते हैं, ठीक है, नेमे ही भले वो कृष्ण के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, और लेकिन वो क्या करते हैं कभी कभी शिव जी का बड़ा अपमान करते हैं। ये नहीं चलेगा, देखिएगा ये चीज मैं भी कभी नहीं कहता हूँ किसी को, बचिएगा अपराध से, बचिए इस जगत के छोटे से वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए। तो वैष्णव नाम यथाशंभु, फिर उसका अपराध आप कैसे कर रहे हैं? चीन से बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। कुछ भक्त लोग शिव भोलेनाथ का अपमान कर देते हैं, अपमान से बचिए। एक बहुत बता रहे थे अपने इस्कॉन के ही भक्त, बहुत सीनियर भक्त बता रहे, प्रभु आपको कृष्ण के पास और राम के पास जाने के लिए ना एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है प्रभु, यही होता है कि हम शुद्ध भक्त बने। बोले ठीक है प्रभु, आप शुद्ध भक्त बनेंगे, लेकिन उसको सर्टिफाइड कौन करेगा? उस सर्टिफिकेट के ऊपर सिग्नेचर किसका होता है? हेलो, भोलेनाथ करते हैं उस सर्टिफिकेट के ऊपर सिग्नेचर, ध्यान रखिएगा प्रभु, भोलेनाथ को प्रसन्न रखिए, होता है ना कि बगल वाला व्यक्ति जिनसे हमें काम है उनसे प्रसन्न रखना होता है, तो भोलेनाथ का लेकिन अपमान नहीं करिए, चापलूसी वाला प्रसन्न मत करिए। यदि हम एकादशी कर रहे हैं, महामंत्र जप कर रहे हैं, तो भोलेनाथ खुद प्रसन्न है, लेकिन अपमान नहीं करिए, एक चीज ध्यान रखिए, अपराध नहीं करिए, ठीक है? ओके, सो विल वी स्टॉप। प्रभु जी आज आलू प्रभु के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्या भगवान के जैसे मंत्र उच्चारण श्लोक से ही हम याद कर सकते हैं, आप भगवान को सीधे साधे अपने भाषा में भी याद कर सकते हैं, ऐसा मतलब बहुत बार सुनने को आता है। देखिए ऐसी बहुत सारी धारणा फैली हुई है, आप याद कर सकते हैं, लेकिन आप जो है तो भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र को लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से याद करिए तो बेटर है।
हरि बोल बोल, हे गोविंद हे कृष्णा, इस प्रकार से बोलिए तो वो बेटर है। ठीक है, परम पिता परमेश्वर, हे पिता, हे परम, हे स्वामी, उसमें से स्वीकृति भी मिलती है। हरि बोल बोला आपने ना, किसी को निर्देशन भी कर रहे हैं, हरि बोल प्रशांत प्रभु, ये जो हरि बोल बोला, हरि बोल किशन प्रभु, हरि बोल, अरे हरि बोल, इस प्रकार से किसी को बोला उसे स्वीकृति भी मिलती है, उसमें काउंट हो जाता है कि आपने नाम जप किया। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप नाम लेकर बुलावे भगवान को, या ज्यादा बेटर। ठीक है, इसलिए मंत्र भी तो बहुत सुंदर है ना, बहुत आसान है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, कितना आसान है ना, कितना साधारण है। ठीक है डॉक्टर साहब, समझ गए? हरि बोल, हरि बोल। हाँ तो प्रभु, प्रभु जी चलेगा क्या? बोलिए प्रभु। प्रभु जी, अच्छा कोई आदमी, सपोज हम लोग, सपोज हम लोग धाम के आसपास नहीं है, सपोज हम लोग साल में एक बार दो बार ही धाम यात्रा कर सकते हैं, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? अच्छा ना प्रभु, आप साल में एक दो बार तो कर रहे हैं ना, हम लोग प्रयास करना चाहिए कि हम जितना धाम यात्रा कर सके उतना अच्छा है। ठीक है, और भक्ति गुरुस्वामी महाराज कहते हैं कि धाम वास करना जरूरी नहीं है जब तक कि आपका शरीर जवाब नहीं दे दे, इंद्र जवाब नहीं दे दे। आप जहाँ पे रह रहे ना, उस स्थान को ऐसा बनाइए कि वही वृंदावन होवे और वही अयोध्या होवे। आप वहीं पर भगवान का नाम जप करिए, आसपास के लोगों को प्रचार करिए कि वो आपके साथ आके नाम जप करें, आपके आप कथा करें, वो लोग बैठ के सुने, आप उनको प्रीचिंग करें, ऐसा माहौल तैयार करिए वहाँ वृंदावन। ठीक ब्रो, ठीक ठीक ओके। मैं महाराज ये चीज बताते, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये चीज, बड़ा अच्छा। वो वीडियो भी आप देखिए यूट्यूब पे काफी फेमस है, व्हाई ही वेंट अमेरिका। Okay, ये प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद कहते थे। और मुझे जहां तक याद है, हिज ग्रेस रोहितदास प्रभु, जो श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी के पिताश्री हैं, वह वृंदावन वास ले लिए थे 50 साल के बाद। तो उनके गुरु हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी गोस्वामी महाराज ने उन्हें डांट के भगा दिया, जब अभी तुम्हारा शरीर फिट है, जब तुम प्रचार कर रहे हो, तो वृंदावन में क्या करोगे, जाओ बैक, जाओ बॉम्बे, प्रचार करो वहां पर जाकर। तो उनको वहां से रिटर्न कर दिया कि बॉम्बे जाओ और प्रचार करो। तो आप देखिए कि वो अभी बॉम्बे में प्रचार कर रहे हैं। वृंदावन मैंने हम लोग शरीर रखने के लिए लास्ट ऑप्शन है वृंदावन में, यस, उससे पहले जाते रहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम जब मरने वाले होंगे तभी जाएंगे, उससे पहले जाइए, जाइए जाके घूम के आइए। वो सब क्या करते हैं ना, हमारे भक्ति में फर्टिलाइजर की तरह कार्य करते हैं। आप जब वृंदावन जाए, यस यस, फर्टिलाइजर की तरह, तो भक्ति ग्रो अप होगा, है ना, बड़ा आनंद आएगा वहां पे। इस प्रकार से ओके ओके ब्रो, हरि बोल। ओके, सो शुड वी स्टॉप हियर? पूजा माता जी टोल्ड दैट सर, एज आई एम न्यू एंड आई डोंट नो अबाउट यू मच, कैन यू प्लीज टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ। माता जी, हम तो बस भक्ति कर रहे हैं और कुछ जानने लायक तो है नहीं हमें, बस आप भगवान को जानिए, गीता को जानिए, हरिनाम को जप करिए, बस इसके अलावा और हम क्या। प्रभु जी, हम शिव तत्व के बारे में भागवतम में कहाँ पढ़ सकते हैं, कौन से कैंटो में? उसमें वर्णन है ना, कौन से अध्याय में है, कौन से स्कंद में है, मैंने पढ़ा है, अरे मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, एक मिनट रुकिए मैं बता ही देता हूँ आपको। फर्स्ट कैंटो में नहीं है सर, तीसरे कैंटो में है क्या, जहां पर इनका वर्णन आता है, उनके विवाह का वर्णन आता है, शिव तत्व का वर्णन है, और साथ से तीसरे मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पर है, लेकिन हाँ ये चौथे कैंटो में है। तो ठीक है, ओके प्रभु जी, चौथे कैंटो को पढ़िए आप, चौथे कैंटो में मतलब शायद से वो जो मन कैंटो कैंटो में भी है प्रभु जी, किसमें, दसवां में क्या है, उसमें है कि यम माम पृच्छ सिस्टम मुपेत्य योगा समास सहस्त्रां उपरातम वे सौ ये साक्षात पुरुषा पुराणो न यत्र कालो विष्णे न वेदा।
उसमें शिव जी बताते हैं कि मेरे 1000 वर्ष के निरंतर तप के पश्चात तुमने मुझसे पूछा कि मैं किनका ध्यान करता हूँ, तो सुनो मैं उस परम पुरुष भगवान का ध्यान करता हूँ जिन्हें वेदों के द्वारा समझ पाना मुश्किल है। ओके, तो इस प्रकार से अलग अलग अध्याय में भी है, लेकिन चौथे अध्याय में जो है सो समझ जाऊंगा, चौथे स्कंद में जो है सो उनका मतलब ये है, पूरा शिव पार्वती संवाद है, ठीक है, और पूरा दक्ष उनका मतलब पूरा वर्णन है, दक्ष के द्वारा जो शिव को अपमान होता है, फिर दक्ष के द्वारा शिव जी को मनाना, और फिर उन सती का शरीर त्याग, फिर उनका विवाह, एवरीथिंग पूरा वर्णन है यहाँ पर, ठीक है, चौथे कांटो में, फोर्थ कैंटो, जहाँ पे पहले वो क्या कहते हैं उनको, पहले तो मनु महाराज के पुत्रियों का वर्णन होता है, उनकी वंशावली का, कपिल जी के जो कार्य होते हैं ना कपिल देव भगवान के, तीसरे कांटो में, उसके बाद इनका वर्णन शुरू होता है, ठीक है। ओके प्रभु जी, ओके, सो सुरभि स्टॉप हियर। प्रभु जी एक क्वेश्चन और है। बोलिए प्रभु। प्रभु जी कह रहे थे कि जैसे मनु हुए हमारे प्रथम मनुष्य, तो मनु से ही शुरू हुआ, तो वर्ण व्यवस्था कैसे हो गया कि ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, तो एक मनु के ही सब लोग संतान है, तो सब तो एक ही होना चाहिए ना। देखिए ब्रह्मा जी के ही संतान है सब लोग, ठीक है जी, और वहीं से इस प्रकार से शुरू हुआ है, और मनु से भी पहले हुए जो क्या कहते हैं मनु महाराज, आपको उस जो हमने आपको वीडियो भेज रहे हैं ना, ये उसमें देवसुरी आपको उसमें अच्छे से समझ में आ जाए, उसमें इसका वर्णन है कि किस प्रकार से पृथ्वी पर आए, लोक कैसे आए, है ना, उसमें वर्णन है ना इसका, मनु महाराज से पहले कौन आए और किस प्रकार से इसका सृष्टि का शुरुआत हुआ, वो भी वर्णन है, ठीक है जी प्रभु। होता था, अब इसे बना दिया गया है आज के जो मतलब जिस प्रकार से हमने कल चर्चा किया, नया करना चाहते हैं और नया करने के चक्कर में पूरा बर्बाद कर दिया, उसी चक्कर में इसको पूरा बर्बाद कर दिया, तो पहले बहुत अच्छा सिस्टम था, ठीक है ओके।